जनपद संभल के चंदौसी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने के विरोध में पाकिस्तान का पुतला फूंका। जनपद संभल के चंदौसी में आज हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में फवारा चौक पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। इस विषय में मुख्य वक्ता हिंदू जागरण मंच नगर महामंत्री विकास कुमार सनातनी ने बताया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट में बुधवार को स्थानीय मौलवियों के नेतृत्व में बेकाबू भीड़ ने एक हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। जब इतने से भी कट्टरपंथियों का मन नहीं भरा तो मंदिर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के करक जिले में छोटे से गाँव टिरे में जमीयत उलेमा ए फजल ने, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है, उसने वहाँ पर अपने एक रैली की थी और उस रैली में भड़काऊ भाषण दिया। भड़काऊ भाषण के उपरांत वहाँ पर मौलवियों के नेतृत्व में एक बड़ी हिंसक भीड़, वहाँ पर अति प्राचीन मंदिर जिसमें श्री परमहंस स्वामी जी ने समाधि ली थी वहाँ पर स्थित मंदिर को तहस पुनः दूसरी बार तहस नहस किया गया। इससे पहले 1997 में तहस नहस किया गया था। उसके बाद सन 2015 में सर्वोच्च न्यायालय, वहाँ के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पुनः निर्माण हेतु पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया। उस आदेश को वहाँ के कट्टरपंथी इस्लामिक मौलवियों ने दरकिनार करते हुए मानवता को शर्मसार किया और वहाँ के अति प्राचीन मंदिर को विध्वंस कर आगजनी की गई। हम समस्त हिंदू जागरण मंच नगर चंदौसी जनपद संभल प्रांत मेरठ वाले पाकिस्तान के मौलवियों द्वारा किए गए इस कुकृत्य की भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं ऐसे अपराधों को किसी भी, मतलब यूएनए इस बात का संज्ञान ले और ऐसे कार्य किसी भी देश में किसी भी धर्म अल्पसंख्यक